बीते दिनों नगर में गाड़ी के बोनट पर बैठकर उत्पात मचाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को अवैध कट्टा कारतूस भी मिला, जिसे जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक विगत 15 जून को नगर में बोलेरो गाड़ी के बोनट पर बैठकर अपने साथियों के साथ उत्पात मचाने और एक छात्र के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में कुछ आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी शशांक जैन के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर नौगांव एसडीओपी कमल कुमार जैन के मार्गदर्शन में मुख्य आरोपी गोल्डन दादा उर्फ आदित्य भार्गव निवासी दरगुआ हाल निवास चौबे कॉलोनी छतरपुर को महेबा तिगैला से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का सही नाम आदित्य भार्गव है। इसके अलावा वह आर्यन, गोल्डी, ऋतिक और गोल्डन दादा का नाम भी इस्तेमाल करता है। आदित्य के ऊपर नौगांव थाने के अलावा सिविल लाइन थाना छतरपुर, थाना बाजना में चोरी, गृह भेद और मारपीट जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। तो वे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, तो मुखबिर की सूचना पे तुरंत कार्रवाई करवाई गई। फोर्स भेजा गया, संजय बेदिया साहब टीआई साहब को भेजा गया, साथ में उनके शैलेंद्र यादव, बीरेन, भूपेंद्र, अजय और उदयपाल, इन सब का एक टीम बना के भेजी गई थी। तो उसको एक अद्दी सहित अद्दी और एक कारतूस जिंदा के सहित उसको महोबा तिगैला से पकड़ा गया। उसको उसकी कार्रवाई की जा रही है और न्यायालय में पेश किया जाएगा।